सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ, फोन पे में एक नई अपडेट आ गई। फोन पे से आप IRCTC का रेलवे का टिकट बुक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ, फोन पे से IRCTC का अकाउंट कैसे क्रिएट करें। आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू का छोटे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटे प्रेस करिए ताकि यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आपको समय पर मिलती रहेगी। आपको प्ले स्टोर से फोन पे एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना, नहीं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सिंपली जाकर उस पेज पर जाकर पहुँच सकते हो। पहले से मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करा, चलिए मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का डिस्प्ले यहाँ पे शो होगा। देखिए ये सब अपडेट अभी फोन पे में इधर ही लॉन्च हुए, MPL फ्लिपकार्ट के ऑप्शन अभी लॉन्च हुए। नीचे में देखिए ये सब ऑप्शन, जितना ऑप्शन ही आपको इधर ही लॉन्च हुआ। ओला कैब बुक कर सकते हैं। देखिए आपको नीचे में यहाँ कन्फर्म टिकट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना, थोड़ा आपको यहाँ पे वेटिंग करना पड़ेगा। इस तरह का आपके पास डिस्प्ले यहाँ पे कन्फर्म टिकट, इस तरह से IRCTC बुकिंग। आपको कहाँ से ट्रेवल करना है वो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। यहाँ से देखिए, अगर IRCTC का पहले से आपने अकाउंट बनाया, इसका पासवर्ड भूल गया, तो यहाँ देखिए रिसेट IRCTC पासवर्ड, इस पर आपको क्लिक करना। आपको यहाँ पे जो आपका यूज़र आईडी है वो आपको यहाँ पे डालना, आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो आपको डालकर प्रोसीड करना। यहाँ से आप पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। आपको अकाउंट क्रिएट करनी है, क्रिएट IRCTC अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना। इस पर क्लिक करने बाद ये स्टेप आपको यहाँ पर फॉलो करना। आपको IRCTC यूजर आईडी डालना, फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना, मेल है कि फीमेल है, मैरिड कि अनमैरिड है। आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। आपको यहाँ पे आपको स्टूडेंट की, अदर की, ये सब आपको पब्लिक से प्राइवेट ये आपको यहाँ पे चूज़ करना है। आपको कम से कम एड करेक्टर का आपको यहाँ पे यूज़र आईडी डालना है, सो आपको स्मॉल में होना चाहिए। चलिए मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखला देता हूँ। कुछ नंबर्स आपको यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको चेक करना ये यूज़र आईडी अवेलेबल है कि नहीं। आपको यहाँ पे चेक पे क्लिक करना। चेक पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए ये यूज़र आईडी यहाँ पे अवेलेबल, आपको यहाँ पे ग्रीन कलर आपको यहाँ पे शो कर देगा, टिक लगा हुआ। देखिए मेरे यहाँ पे देखिए कम से कम एड करेक्टर कर दिया, 4 करेक्टर नाम दिया है, 4 करेक्टर आपको यहाँ पे नंबर से मैंने यहाँ पे दिया, ये अवेलेबल है यहाँ पे। आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, जो आपका फर्स्ट नेम है वो नाम आपको यहाँ पे डालना है। फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे, लास्ट नेम डालना है। यहाँ पे आप मेल है कि फीमेल है कि वो आपको यहाँ पे डालना है। मैं यहाँ पे मेल पे क्लिक कर देता हूँ। आप मैरिड के अनमैरिड है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं अनमैरिड हूँ, यहाँ पे अनमैरिड पे क्लिक करा। आपको यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे पर्सनल प्रोफेशनल पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप पब्लिक से मैरिड है, यहाँ पे मैं स्टूडेंट हूँ, उस पर मैंने क्लिक कर दिया। इस पर देखिए पूरा स्टेप आपको फॉलो करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ेगा, इसके यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पिन कोड डालना पड़ेगा। चलिए पूरा चीज़ यहाँ पर मैं फॉलो कर देता हूँ। आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्वेश्चन पे क्लिक करना है। आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, इसका आपको यहाँ पे आंसर देना है। सो मैं ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर यहाँ पे मैं इसका आंसर दे देता हूँ। तो इंग्लिश लैंग्वेज सही है कि हिंदी, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना। मैं इंग्लिश सेलेक्ट करा। आपको यहाँ पे पिन कोड आपको डालना है, आपके एरिया का पिन कोड क्या है। आपको यहाँ पे एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। पिन कोड डालने के बाद ऑटोमेटिक ये एड्रेस आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आपको पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, स्टेट आएगा, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक है। आपको एड्रेस यहाँ पे भरना है। तो पूरा चीज़ भरने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म रजिस्टर पे क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपके देखिए आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ पे फिल कर, आपके जीमेल आईडी पे एक यूज़र आईडी गया, वो यूज़र आईडी आपको यहाँ पे टाइप करना। चलिए यूज़र आईडी मैं आपको दिखला देता हूँ कैसा यूज़र आईडी वहाँ पे। तो मेरे पास मैसेज आ गया IRCTC डिटेल्स पे, मैंने क्लिक करा। इस पर क्लिक करने में देखिए यहाँ पे फॉरगेट, यहाँ देखिए डिटेल्स यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। देखिए यहाँ पे IRCTC मेरे, देखिए योर यूज़र आईडी, यहाँ पे देखिए ये यूज़र आईडी मेरा यहाँ पे है, न्यू योर न्यू पासवर्ड, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये यूज़र आईडी मेरा यहाँ पे। करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना। प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे अकाउंट बनकर रेडी हो गया। आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे जाना, प्रोफाइल पे जाना, आपको यहाँ पे लॉगिन इन पे क्लिक करना। देखिए यहाँ पे मेरा ये
अकाउंट पहले से, ये अकाउंट मेरा बना हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं इस पे जाता हूँ, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना, जिस मोबाइल नंबर से यहाँ पे अकाउंट बनाया था। चलिए मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी ऑन टाइम पासवर्ड पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक, आपके मोबाइल नंबर पे एक इंटर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी को डाले आपको यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पे बन गया अकाउंट। आप चलिए यहाँ पे मैं वॉलेट पे जाता हूँ। वॉलेट पे देखिए यहाँ पे जीरो बैलेंस बचा हुआ है। इसमें प्रोफाइल पे जाता हूँ, देखिए ये बना हुआ है। जिसमें सपोर्ट पे जाता हूँ, देखिए यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको शो करेगा। देखिए आपको कंप्लीट टिकट यहाँ पे आपको शो करेगा, जो कैंसिल यहाँ पे कैंसिल करना चाहिए यहाँ पे कैंसिल, आप जो टिकट बुक करें कैंसिल करना चाहते हैं वो टिकट आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। इस तरह से आप IRCTC का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन है कॉमेंट करेगा, आप नीचे पूछ सकते हैं।